नमस्कार जी, मैं आनंद बोल रहा हूँ। आज शाम को केडमन हॉल में अनुभव मींस एक्सपीरियंस, अनुभव और हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू डांसिंग, एक्चुअली हाउ टू एक्सपीरियंस, क्योंकि हम तो डांस नहीं करेंगे, हम तो सुनेंगे देखेंगे। तो जुम्मा के दिन फ्राइडे 20th नवंबर 7:30 एट केडमन हॉल, गेटसेट सेंट्रल लाइब्रेरी में। सो ये प्रिंस कंसॉर्ट रोड पर है, NE84LN। ये केडमन हॉल है पुराने लाइब्रेरी के ऊपर। टिकट्स आर £5 एंड इट्स फॉर कुचिपुड़ी डांसिंग। और आ रही हैं कल, जो उनसे अभी हमारे इंटरव्यू में भी आपसे बातें होंगी अभी तुरंत, लेकिन वो कल है जेम आर्ट्स के द्वारा। जेम आर्ट्स का फोन नंबर है 440-4124, 440-4124। आप विक साहब को फोन करें और आए, विक इज डूइंग सम फंटास्टिक वर्क। तो वो कहते हैं जेम आर्ट्स प्रेजेंट अनुभव, अ ब्रेथ टेकिंग कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस, द इंडियन क्लासिकल डांस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इट्स नाउ पॉपुलर ऑल ओवर साउथ इंडिया एंड हैज डिवेलप्ड फ्रॉम अ मेल डांस फॉर्म टू विच इज नाउ एग्जीक्यूटेड ऑल्सो बाई वुमेन। So Payal, who's going to be interviewed in a minute, has her own award-winning journey in a Kuchipudi dancer, as a Kuchipudi dancer. When she was 4 years old, she started. So, aap aayein kal shaam, for a fiver, just for a mere fiver, there's 1 hour of dance, 7:30 at Gateshead Kedman Hall. नमस्कार पायल जी, इट्स लवली टू हैव यू इन द स्टूडियो। यू रियली इम्प्रेस्ड मी, बिकॉज दो घंटे पहले विक ने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे डांस से आ रहे हो ना, तो मैं कहाँ आ रहा हूँ, वो आऊँगा ही क्यों नहीं देखूंगा। फिर कहा कि नहीं ना, शी इज लोकल। हम कहे वाह, इससे भी मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर आप क्लासिकल डांस की बात की, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इसलिए कि मैं अपनी सिस्टर को उसके क्लास पटना में ले जाता था। वो 4 साल की होती थी, मैं 6 साल का, आई वॉज एस्कॉर्ट। रिक्शा पर 2 आने पीतल का दे करके, आप तो देखी भी नहीं होंगी, 2 आना का कॉइन दे करके ले जाते थे। हरी उपल साहब ने 2 डांस स्कूल बिहार में स्टार्ट किया और एक रांची में एक वहाँ, और वो भरतनाट्यम सीखती थी। तो वहां जो साहब बजाते थे अय्यर साहब, डंग टक 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 डंग डंग डंग, वो करते करते बैठते बैठते मेरे सर में घुस गया। जैसे मदरसे में या हमारे पंडित लोग जो एक ही चीज रटते रटते याद हो जाता ना, तो मुझे शास्त्रीय संगीत से शौक बढ़ा। इसलिए आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू सी समवन लाइक यू हु टेल अबाउट योरसेल्फ एंड आई विल पुट दिस ऑल ऑन फेसबुक ऑब्वियसली। तो ये बताएं कि आप हैं कहां से, भारत से हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली की हैं? अच्छा जी, मैं दिल्ली की हूँ और मैंने 4 साल की उम्र में कुचिपुड़ी सीखना शुरू किया। जैसे मेरी बहन भरतनाट्यम सीख रही थी। हाँ जी, आई थिंक वो जैसे भव्या गोपालन भी 4 साल में शुरू की। Have you met Bhavya? I haven't, but जीबी की बेटी। हाँ हाँ, सॉरी जीबी की बेटी नहीं, he is the father of Bhavya. He's so famous now. Achha. But do you believe that starting early is good for dance or singing or any drama? It is very, very, very important to start early. Kyun? Baat kya hai? Khas baat kya hai? I think wo foundation us age pe, you're very moldable at that time. Haan. Aapka mind fresh hai. Fresh hai. Bilkul pure hai. Raw hai. Open hai. Haan ji. So you are able to receive things very instantly. Without judging. As you get older, you say, oh, ye South Indian hai, ye North Indian hai, wo Hindu hai, wo Muslim hai, wo bada hai, wo mard hai, wo aurat hai, wo kutta hai, wo billi. Absolutely. Aapke baad preconceived notions ban jate hain. And second, the other thing is that I think, just like, you know, you learn ballet at a very young age. Haan ji, haan ji. By the age of 20, 19, girls start teaching ballet. Haan, 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 haan. Similarly, I think, wo body ki adaptability as a kid, बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। तो अकस्टम हो जाती है ओवर द इयर्स, यू गेट यूज्ड टू द डांस। ठीक है जी, ठीक है जी। फॉर समबडी हु इज से 25, इट टेक्स लॉन्गर। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड थिंग टू लर्न, इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट। द मोर फ्लेक्सिबल यू आर द लॉन्गर यू लास्ट एंड सो ऑन। लेकिन ये भी बात आप कह रही हैं कि शुरू में जैसे नन्हा पौधा होता है, उसके जो सब डाली वाली कठोर नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। हाँ जी, हाँ उसी तरह से। अच्छा, सो 4 साल की उम्र में कहाँ किससे सीखने लगी दिल्ली में? जी, मैं गुरुज राजन राधा रेड्डी, बहुत ही राजन और राधा रेड्डी, राजा एंड राधा रेड्डी, रेड्डी आपके गुरु हैं जी। नमस्कार उन दोनों को मेरे तरफ से। स्टिल अराउंड? यस। तो ये यूट्यूब लिंक भेज दीजिएगा उनको, दे विल बी सो हैप्पी टू सी यू। आप तो उनकी बेटी हो ना? जी, आई मीन आई लर्न फ्रॉम देम फॉर अबाउट 14 इयर्स। उसके बाद मैंने गुरुज जयराम राव एंड वनश्री राव से सीखा। जयराम राव, वनश्री राव, वो कहाँ है?
वो भी दिल्ली में दिल्ली में है अच्छा इन फैक्ट बोथ ऑफ देम हैव बीन अवार्डेड द पद्म भूषण एंड द पद्मश्री वाओ सो यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड रियली एब्सोल्युटली इन फैक्ट दे ऑल ऑफ देम हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर मैपिंग कुचिपुड़ी ओवर द वर्ल्ड मैप आई'ड से बिकॉज इट्स एन आर्ट फॉर्म दैट वाज इन आंध्रा और वहीं का वहीं रह जाता हाँ बट अब तो ऑब्वियसली नाउ इट्स वेरी फेमस ऑल ओवर इंडिया नाउ अनफॉर्चुनेटली द वेस्ट स्टिल हैजंट सीन मच ऑफ इट बट यू आर द प्रोपगेटर यू आर द एंबेसडर आई एम फिंगर्स क्रॉस्ड और आप न्यूकासल में रहती हैं अब मैं न्यूकासल में रहती हूँ कब आई बिफोर दैट आई जस्ट लाइक टू मेंशन दैट नाउ आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद गुरु जयकिशोर मुसलीकांती सो दे आर बेस्ड इन चेन्नई जयकिशोर मुसलीकांती एंड पद्मवाणी मुसलीकांती दे ऑल सीम टू बी कपल्स Yeah. That's very interesting. How very is that? Interesting. I don't know actually. It's because बाकी गुरु मर्द या औरत एक सिंगल होते हैं. कुचिपुड़ी में थोड़ा male female. It's not that it was intentional कि मैं couples के पास ही. No. Yeah. But it is interesting. आपके तीनों के पास गए तीनों couples हैं. हाँ but ऐसा कुछ specific नहीं है. It just I was fortunate enough. No but there must be something in Kuchipudi that it produces couples who dance, नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है द प्रोबेबली द रीजन मोहिनी अट्टम को देखिए भरतनाट्यम को देखिए मर्द या औरत उसका भरतनाट्यम में भी कपल्स हैं अच्छा अच्छा है ऐसा नहीं है लेकिन द थिंग इज इट कुचिपुड़ी नाउ आई लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी एक्चुअली वाज अ मेल डांस फॉर्म हां जी माने मर्दांगी वाला नहीं इट वाज ओनली परफॉर्मड एंड प्रैक्टिस्ड बाय मेन व्हाई इट वाज अ Kuchipudi hails from a village in Andhra Pradesh, which is called Kuchipudi. Actually, you don't pronounce it as Kuchipudi, but it's Kuchipudi. Kuchipudi. So okay. it's almost like a double O instead of the U. Kuch, like Kuch Bihar. Right, that's how you have to pronounce Kuchipudi. Kuchipudi. So Kuchipudi is this village in Andhra Pradesh, yeah. and that's where it originated. The dance form originated. Ab ye hota tha, sirf Brahmin boys used to. उस सेक्ट में वहाँ के खास जी जी जस्ट लाइक भरतनाट्यम हैज बीन अ डांस फॉर्म जो कि टेंपल से देवदासीज फ्रॉम चेन्नई राइट बट कुचिपुड़ी वाज ओनली परफॉर्म्ड एंड प्रैक्टिस्ड बाय मेल ब्राह्मण यंग ब्राह्मण बॉयज टू गो फ्रॉम विलेज टू विलेज सो इट यूज्ड टू बी अ डांस ड्रामा इट स्टिल इज राइट so it's evolved from being a dance drama from being a male dominated dance form to one now being extensively practiced and performed by women as well Achha. Over the years it's been evolved it's been stylized in a way there've been people like so it's more graceful now it's been so evolved. Would you say that the man dances kuchipudi different from the female absolutely in fact wo strivesham hota hai kuchipudi mein jisme the men are dressed like women and acha 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 कुछ कुछ कैरेक्टर्स सत्यभामा का कैरेक्टर होता है व्हिच इज कृष्णास थर्ड वाइफ तो बहुत इंटीग्रल रोल तो उसमें अगर मर्द ब्राह्मण बॉय करेगा तो उसको ड्रेस अप लाइक अ वुमन करना पड़ता है हां जी तो वो होता ही ऐसे है कि तो उस समय मर्द औरत का डिवीजन इतना था कि हिंदी फिल्म में पहले तो शुरू में औरतों का रोल मर्द ही करते थे हमने कमी क्या है औरत हम औरत चाहिए तो हम औरत हैं हां भाई तो देयर वर पीपल लाइक वेंपटी चिन्ना सत्यम गुरु वेंपटी चिन्ना सत्यम गुरु लक्ष्मी नारायण शास्त्री ये लोगों ने evolved kuchipudi they made it go revolutionized kuchipudi to an extent jaise music mein gharane hote hain haan ji usi tarah se dance ka ek gharana ha kuchipudi mein itna categorical nahi hai lekin hai ki kuchipudi mein bhi styles alag alag hai ab what I'm trying to come to is that for the woman to take to kuchipudi underwent an alteration Achha. In terms of its style तो वो बॉबिंग मूवमेंट हुआ बेंड्स हुए वो सब चीजें ऑल्टर करी गई सो दैट वो ग्रेस मोर फेमिनिन एंड मोर यिन सॉफ्ट राइट वो फेमिनिन तो जो कुचिपुड़ी है कुचिपुड़ी में स्पेशली तांडव और लास्य एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं तो तांडव माने शिवजी तो द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन पार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑफ कोर्स सो द मेल फीमेल इंटरेक्शन एब्सोल्युटली तो आपको बता दूं मेरे घर में एक ही मूर्ति है मेरे घर में छोटा सा टेंपल है और उसमें अर्ध नारेश्वरी है इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ पीस टुमारो आई एम गोइंग टू बी ओपनिंग विद अ पीस डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ध नारेश्वरी वाओ देखिए व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड मेरे घर में सच्ची का मूर्ति है उसमें एलईडी लगाया हुआ मल्टी कलर का
और वही चलता रहता है, बिकॉज आई बिलीव मेल का पावर फीमेल का पावर दोनों को यूज होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ही इज हाफ द वर्ल्ड. दिस इज नेचर्स प्रिंसिपल. हां जी हां जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंटीग्रल टू द इंडियन सिस्टम आल्सो. ठीक है, तो कब से कुचिपुड़ी हैज आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द फीमेल डोमेन? It's been pretty long. This was in about 7th century AD that Kuchipudi started evolving. And over the years, hote. So, aurton ki taraf aaya hai. Haan ji, but ab it's reached a stage wherein men and female both perform. In fact, probably you will see more women doing than men. So, yeah. Achha, theek hai. Toh phir aap seekhti hain abhi ja karke Chennai mein. Haan ji. I have my own, I train students here in Newcastle as well. Achha. So how do they get in touch with you? Right now, have you got a website? Have you got a Facebook? Yeah, my website is www.payalramchandani.in. Payalramchandani.in. Because your mother was from where? Kerala. Father from? Sindh. Naturally, Ramchandani, Mirchandani, Ramsukhani, ये सब तो सिंधी नाम सब है, जो कि अब पाकिस्तान में है. जी, हाँ, तो रामचंदानी आपके पिताजी हुए और पायल आपका नाम आपका बड़ा अप्रोप्रिएट है, पायल डांस से. तो हाउ डिड दे नो, हाउ डिड दे नेम यू? दे नॉट नेम यू आफ्टर फोर व्हेन यू स्टार्टेड डांसिंग? No, obviously not. कैसे ये पायल नाम कहाँ से आ गया? Is it a later name आपने adopt किया? No. My name जन्म से नाम पायल. बिल्कुल जन्म से नाम पायल. It just so happened that ऐसा हुआ. I think वो नाम का भी एक vibe होता है. हाँ, तो मेरा नाम आनंद है. कुछ भी हो मैं खुश रहता हूँ. हाँ, तो अच्छा बताइए फिर भाई बहन आपके हैं? हाँ जी, I have an elder brother. वो क्या करते हैं? कुचिपुड़ी नहीं करते ना? नहीं, he works with visa in India. अच्छा अच्छा, भारत में ही है. और आपके फादर मदर दिल्ली में अभी भी हैं? My father is no more. अच्छा. My mother is in India. India. दिल्ली में ही है. अच्छा, और आपके पति के बारे में बताइए. He works with Accenture. हाँ. And he's been here. He's from Chandigarh. अच्छा अच्छा, तो पहले से हैं? वो चंडीगढ़ पहले, हाँ, वो यहाँ पे यूके में 4-5 साल से हैं. अच्छा अच्छा. So I just recently got married last year. अच्छा अच्छा. So you now come to Newcastle. He's in Newcastle, obviously. Yeah, he's in Newcastle. अच्छा अच्छा. तो कभी उनको भी इंटरव्यू करेंगे? बिल्कुल. हाँ, तो इट बी नाइस. सो टुमारो व्हाट यू गोइंग टू परफॉर्म? एंड अपेरेंटली आई एम अलाउड टू फिल्म. या, ऑफ कोर्स यू आर. ये तो 6 पर फोन कर रहे हैं, वो आपको प्रॉपर 4K कैमरा पर होगा. अच्छा. एंड अलावा कैमरा कर अच्छा फिल्मिंग करेंगे, क्योंकि यूजुअली होता है कि आर्टिस्ट लोग इंडिया से आते हैं, ड्रामे बड़े करते हैं. फिल्म कर रहे हो, ऑफ कर दो भाई, नोबडी नोज यू हियर. और अगर 4 आदमी आपको जान लेंगे तो कला ही आपका फैलेगा. Right. So I'm so pleased that you're here, because I'll make a nice video. उसको बढ़िया से स्पीच बहुत बढ़िया बोलता. And I think you know if we are so lucky to have Vic and doing his gem art. Doing a fantastic job. बोलिए ना, हमारे जो लोग population हमारी छोटी है, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग हैं गांव के पिंड के, वो classical dance जानते ही नहीं हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि डांस. हाँ. And I also think that हमारा as Vikas, what Vikas is actually doing is that he's not only catering to the Indian audiences here, but I think he's also going global with it. It's very important to take this to the local audience as well. पहले तो इंडियन को टू द इंग्लिश पीपल को. मैं शुरू शुरू गुस्सा करता था कि हिंदुस्तानी लोग कहाँ हैं, लेकिन उसके चाचा से हमें बात हुई. मुझे बोला, देखो सर, हम किराना का दुकान था मेरा यहाँ पर यूके में, उसमें हम दूध बेचते हैं. तो दूध बेचते समय थोड़ी देखते हैं कोई गोरा दूध खरीद रहा है या काला खरीद रहा है, हम दूध बेच रहे हैं. तो ये कला बांट रहा है, जिसकी किस्मत अच्छी है वो लेंगे, जिसको नहीं है. तो अब आप देखिएगा, हम सनम दो तीन हमारे जैसे लोग होंगे, वो विकास की पूरी फैमिली होगी. दे वेरी सपोर्टिव, हिज अंकल्स एंड मम्मी डैडी दे ऑल, अशोक इज देयर वेरी मच, हिज डैड इज द चेयरमैन ऑफ जमा. अब बाकी सारे गोरे होंगे, बट दे हैव बीन कमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो उनका एस्थेटिक सेंस इवॉल्व कर रहा है. हमारे घर पे गुरुकुल चला 10 साल. हमने एशियन आर्टिस्ट नेटवर्क स्टार्ट किया था, जिसमें हम फिल्मी गाने जो कि क्लासिकल बेस्ड हों. उसके बाद हम आई वेंट अप टू गुरुकुल क्लासिकल म्यूजिक में. तो बड़े सारे हमारे एशियन आर्टिस्ट वाले छोड़ गए, बिकॉज मेहनत है भाई. बॉलरूम डांसिंग करने में या डिस्को डांसिंग में इसमें फर्क है, बहुत फर्क है. डिस्को डांसिंग इसमें बहुत साधना चाहिए. हाँ, और जो परफॉर्मेंस इज अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ इट. राइट, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस. स्टिल इट्स अ प्रोसेस. लेकिन जब आप डिस्को डांसिंग करते हैं, या प्रैक्टिस इज ऑन द फ्लोर, प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? तो ये बताइए कि डांस आप कर रही हैं एकदम बचपना से, इससे आपके लाइफ पर क्या असर होगा, आपके मनोभावना पर?
I think dance has made me a stronger individual, certainly. Bahut hi zyada matlab self-confidence. Confidence badhta hai, and I think you suddenly, you know, you I always say this, you know, while I'm dancing, I no longer remain part of this planet. Yeah, I mean, you ट्रांस में आप चले जाते हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी होती है उस टाइम पे, इफ यू अटेन ओवर द इयर्स, आई मीन वो होता भी नहीं है कि देयर आर टाइम्स व्हेन दैट डजंट हैपन, बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू एक्चुअली फील सो ब्लिसफुल डूइंग इट कि आप आनंद में हो जाती हैं, राइट, एंड देन यू हैव टू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ इट आफ्टर योर प्रैक्टिस सेशन, यू नो. मैं एक बार बैठ के तानपुरा बजा रहा था, छह तार का तानपुरा, जस्ट साक ये जा रहा था, सडनली मेरे मन में कोई इंग्लिश बोलने लगा. हिंदी तानपुरा बजा रहा हूँ, इंग्लिश कैसे हो रहा है? एंड देन आई हर्ड अ बिग बैंग ऑन द डोर, माय गुरु वॉक्ड इन एंड ही सेड, ये आप कहाँ हैं? आई वाज अस्लीप प्लेइंग द तानपुरा, आई वाज इन अ ट्रांस, लिटरली इन अ फिजिकल ट्रांस, बिकॉज ही आस्क्ड मी कि आपको क्या हो गया था. सर हम तानपुरा बजा रहे थे, कोई इंग्लिश में बात कर रहा था. बोला आपको तो 20 मिनट को डिस्टर्ब नहीं किया. बोला हम तो 5 मिनट खाली तानपुरा बजाए. सो टाइम स्टॉप्स. Absolutely. और अभी हम दूसरे शो में बात कर रहे थे, फतेहपुर सिकरी में गया था मैं करीब 25 साल पहले, और वहाँ एक साहब राग तोड़ी गा रहे थे, गरीब मुसलमान आदमी, पूरा घिसा हुआ हारमोनियम जिसमें काला सफेद सब घिस गया था. हमको आई हैड एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कि मैं अकबर के दरबार में हूँ. तो अभी माँ का मेरे डेथ हुआ 30 जून को, तो मैं वहाँ गया और एक आदमी गा रहा था बहुत खूबसूरत, खमाज वमाज देश वेश कुछ गा रहा था, या मालकों से याद नहीं. तो हमने कहा कि हम तो यहाँ आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आपको मैं कुछ पैसे भी देना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर दिस. लेकिन आया था मैं करीब 20-15 साल 25 साल पहले, तो एक बड़ा जवान आदमी गा रहा था, मेरे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया. बोला सर यहाँ बस सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही हूँ, मैं आपको मैं ही नहीं याद कर सकता, लेकिन जो आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था वो मेरे ही गाने पर हुआ था. एक धक से लगता है, यू नो, यू गेट दैट सेंस. नाउ ही इज अ मुस्लिम, अब शिया है, सुन्नी है, इंडियन है, क्या है उसका, आई डोंट केयर, बट ही एंड आई कनेक्टेड लाइक टू ह्यूमन बींग्स. I think art transcends all boundaries, and I don't really think, as an artist, I feel that an artist is always very trivial before the art. कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं. Do you think that has made your attitude to other things in life similar? Do you think the ego goes very quickly? Ahankar. Certainly, but there are I think a lot of artists have inflated egos. I don't know. If but isn't that the opposite of art? जब आपको that is absolutely the opposite, and which is why I sometimes wonder that, you know, if you're so deep into the art, तो फिर अहंकारी कैसे हो जाते हैं? कैसे हो सकते हैं? And I'm sure you also would have come across a lot of people because you are in this kind of a line where you interact with a lot of artists. तो आपको पता तो चलता ही होगा ये चीज़ that I haven't. But you do come across people who do have inflated egos and who haven't been able to shed the ego factor. But do you think when people are less egotistic, they are more natural, they are more pleasing to the ear, to the eyes? Oh, ahankar wale log akharte hain. I think you're just true to the art. You're just more honest to what you're doing. Mujhe wo cheez lagti hai. Ego, I think in the long run, नष्ट कर देगा आपको. In the long run, वो it doesn't work. That's very important. How much is your husband appreciative of your art? उसको कुछ पता भी है? Initially नहीं पता था. वो तो भंगड़ा पार्टी का है, पंजाब का है. बिल्कुल. तो initially तो कहाँ जाते? Tell me a bit more. वो तो जैसे वो माधुरी दीक्षित था, उसका हस्बैंड वाला हालत है. हाँ. Whatever she is, she's a great dancer, presenter, pretty and everything. और शादी के लिए कोई अमेरिकन से, जो कि मैंने ब्राउन अमेरिकन, लेकिन अमेरिकन है. तो वो चेंज कैसे आया बताइए, क्योंकि उसको अभी भी चेंज आ रहा है. इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. कल आएंगे वो? कल तो आई पुल हिम. इज ही कमिंग टू द शो टुमारो? ऑफ कोर्स ही इज. ऑफ कोर्स आई लव यू. ऑफ कोर्स. अच्छा, इफ ही इज फ्री आई इंटरव्यू हिम आफ्टर द डांस. श्योर यू कैन. इट विल बी नाइस टू इंटरव्यू बोथ ऑफ यू जस्ट आफ्टर द डांस. या बिकॉज देन यू विल बी इन फुल गियर. राइट. अभी यू आर लुकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग. नहीं बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप जीबी गोपालन की बेटी का आपको हम लिंक भेज देंगे कभी. She's just another girl of 11, 12. I've interviewed her and 6 months ago, and her father and she were sitting. I said, will you marry? She said, never. I said, why? She said, I want to dance. Itna young age mein, itna uska focus hai, solid, ki she doesn't see the other things. Toh, theek hai, kal aap log dono ko interview hum karenge, zarur, or it'll be very nice, because I'll ask him how he has moved on. Because if you have not seen classical music, jaise humare family mein, we were just from a modest family, फोर चिल्ड्रन गोइंग टू कैथलिक स्कूल, कहाँ पैसा है कि डांस करें या करें वो करें, है ना. सिस्टर गई कि भाई शादी हो जाएगी, अगर कला का एक लेबल लग जाएगा.
तो हम लोग जाते थे बट ऑल ऑफ अस ऑल थ्री ब्रदर्स सिंग ऑल ऑफ अस प्ले इंस्ट्रूमेंट्स ऑल ऑफ अस आर वेरी पॉसिबली बिकॉज़ द सिस्टर वाज लर्निंग डांसिंग आई थिंक वो देख देख के आई थिंक व्हेन यू इट्स लाइक सेइंग दैट यू नो आई ऑलवेज यूज़ टू टेल हिम राइट आफ्टर द वेडिंग You love me, you love my dog. You love me, you love my art. अगर मेरे कुत्ते से प्यार कर सकते हो तो मेरे डांस बिल्कुल क्योंकि आप तो बचपन से उसको फॉलो कर रही हैं। I think my parents have put in so much of an effort. इतना मतलब But it does, don't you think it does need very devoted parents? क्यों अपना टाइम छोड़ के अपना आजकल मैं I feel so sorry. I feel so sad, especially here. I just feel that you know there is a lack of perseverance here. तुरंत छोड़ दिया बिल्कुल मतलब आप हॉबी की तरह करते हो नहीं बट हॉबी भी हम करते हैं तो पूरा जानते हैं रेडियो इज माय हॉबी नो आई मीन यू नो यू डोंट टेक इट यू डोंट सी इट गोइंग अ वेरी लॉन्ग वे and that's not right time light what short term light hearted fleeting moments ke liye aapne kar liya jaise mcdonald ka khana kha liya exactly so that is something that I feel that you know we really need to work on that no but you're trivializing yourself If you only do halka phulka, you will become halka phulka. But what surprises me and what saddens me is the fact that people don't realize what this is and how rich this is and what it gives you in return. Do you think India has suddenly begun to appreciate its own art? It has. Certainly. There's a change. I don't want to become political about it. No, it has. Main St. Stephen's mein tha. I was the first Indian to play the bansuri and then the Hawaiian guitar. Oh, Baiju Bawra ka gana. Achha. Baki sa to, I saw the night in the light as I passed by the window. Yaar, Hindustan mein kuch Hindustani bhi karo. Haan, I have no problem with Angreziyat. Lekin Bharat mein rakhe bilkul Angrez bane ja rahe hai, kya hai? Right. I think it's growing now. With every passing day, I'd say ki awareness. There's a pride in your own culture. Right. And there should be. Certainly there should be. I mean, I strongly believe that even here, after coming to Newcastle, I realized that, you know, I realized there is no... Have you met Mrs. Pani? No, I haven't met her. Have you heard about her? Yes, I have. She is, that poor soul had a school with 150 students herself. She learned from Vajanti Mala, who you know. No. I think she's still alive, Vajanti Mala. Yeah, of course. Yeah. Wonderful. I mean, film ka chhod do, Bharatnatyam ke liye jo ki hai. So this lady has a lot of students, including Bhavya, who started at the age of 4. So it would be fascinating if you and Bhavya could come on a show together. But you both started. I mean, she's much younger to you. Yeah, she's a bacha, but she'll get a lot from you. And I hope Jibi knows, and I'll make Jibi come tomorrow. I hope he can bring Bhavya tomorrow. Yes, yeah, she must. I think, in fact, that's what I tell all my students, that watching is a great, great Because you become part process. Of it. You become part of it. Observing is very important. You must go and watch performances. And watch other people, other art forms. Exactly. Aap ballet bhi dekho. Bahut, matlab aapka vision itna zyada broaden ho jata hai. See all the racist ideas, all the chotapan, or South Indian, dosa wala hai, or Punjabi hai. Ye bahut pichhdi baatein lagti hain ab sunne mein. Ye to, I think, ab to ye... हम जब बच्चे थे तो भारत कॉफी हाउस में जाके मसाला डोसा खाते थे शुरू में बड़ा अजीब लगता थी क्या खा रहे हैं देन यू सी साउथ इंडियन इन डिफरेंट लाइट अब टेलीविजन पे जब हम मणिपुर को देखते हैं जो चाइनीज लगते हैं हमारा एक दोस्त था वैसे अरुण चौंग था मणिपुर का था उसके पहले हम सोचे कि चाइनीज लड़का मेरे क्लास में कैसे आ गया वो तो मणिपुर का जो हमारे भारत का है सो नाउ दैट इंडिया थ्रू टेलीविजन एंड ऑल इज कनेक्टेड एंड इज बिकम चीपर ऑल द टाइम एंड देन यू गॉट फेसबुक एंड दिस एंड दैट एंड हु बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम फेसबुक ट्विटर इंडियंस Right. कि हमारे पास माध्यम नहीं था बुद्धि तो थी right. माध्यम नहीं था कला हमारे पास सबसे पुराना कला है right. अभी भी शास्त्रीय संगीत डांस इंडिया में जो है ऐसा कोई कला जिंदा नहीं और जगह तो जा चुका है आफ्टर ऑल इजिप्शियन भी डांस करते होंगे कभी वो खत्म हो गया चाइना जाइए तो उनका चाइनीज म्यूजिक नहीं है सब वेस्टर्न सब वायलिन बजा रहे हैं नथिंग रॉन्ग विद दैट लेकिन आपका भी कुछ कल्चर था वो खत्म right. लेकिन भारत में जो कल्चर है वेदर इज जस्ट भंगड़ा और वेदर इज प्योर क्लासिकल इट इज वेरी कलरफुल Very colorful. It's beautiful. I think Kuchipudi, for instance, you know, our classical dances, they deal a lot with mythology, Indian mythology. Nah. And I think you get to know so much about your own country's culture. Your own country's Forget culture. Hinduism and Sikhism and Buddhism and Christianity. लेकिन अगर आप अपने कल्चर को नहीं समझते हैं मैं माय स्टूडेंट्स आई टेक क्लासेस इन लॉन्ग बेंच दिस इज इन कोलैबोरेशन विद जेम वेयर डू यू टेक इट इन लॉन्ग बेंच इन ऑक्सफोर्ड सेंटर लॉन्ग बेंच ऑक्सफोर्ड सेंटर लॉन्ग बेंच इज दैट द न्यू शॉपिंग सेंटर नो दैट्स अ कम्युनिटी सेंटर देयर अच्छा ऑक्सफोर्ड सेंटर ठीक है एंड दिस इज इन कोलैबोरेशन विद जेम तो मैं इसको जब YouTube पर डालूंगा हमको डिटेल्स दे देंगे हम उसको टाइटल कर देंगे सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो बट इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ अनुभव
फ्रॉम मैं भव्या के नाम से कंफ्यूज हो रहा हूँ, फ्रॉम पायल रामचंदानी. पायल रामचंदानी, फादर फ्रॉम सिंध, मदर फ्रॉम केरला, डांस इज फ्रॉम आंध्रा. थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो. थैंक यू. Dig a dug a dug a din, num dita dug a da da dum, da 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 dum. Dil la na, drig a dil la na, drig a drig a dil la na, dita dum dita. Dil la na, drig a dil la na, drig a drig a dil la na, dita dum dita. An 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 gita, tunga taya tunga tata, tari gita tari dum, tari tato. किया कि ऐसे ऐसे डांस आ रहे हो ना, तो मैं कहाँ आ रहा हूँ, वो आऊँगा ही क्यों नहीं देखूँगा. फिर कहा कि नहीं नो शी इज लोकल. हम कहे वाह, इससे भी मेरा इंटरेस्ट बढ़ा. फिर आप क्लासिकल डांस की बात की, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इसलिए कि मैं अपनी सिस्टर को उसके क्लास पटना में ले जाता था. वो 4 साल की होती थी, मैं 6 साल का. आई वाज अ एस्कॉर्ट. रिक्शा पर 2 आने पीतल का दे करके, आप तो देखी भी नहीं होंगी, 2 आना का कॉइन दे करके ले जाते थे. हरि उपल साहब ने 2 डांस स्कूल बिहार में स्टार्ट किया और एक रांची में एक वहाँ. अच्छा. और वो भरतनाट्यम सीखती थी. अच्छा. तो वहाँ जो साहब बजाते थे अय्यर साहब, डंग टक 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 डंग डंग डंग, वो करते करते बैठते बैठते मतलब आ रही हैं कल जो उनसे अभी हमारे इंटरव्यू में भी आपसे बातें होंगी अभी तुरंत. लेकिन वो कल है जेम आर्ट्स के द्वारा. जेम आर्ट्स का फोन नंबर है 440-4124. आप विक साहब को फोन करें और आए. विक इज डूइंग सम फंटास्टिक वर्क. तो वो कहते हैं जेम आर्ट्स प्रेजेंट अनुभव ब्रेथ टेकिंग कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस, द इंडियन क्लासिकल डांस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश. इट्स नाउ पॉपुलर ऑल ओवर साउथ इंडिया एंड हैज डिवेलप्ड फ्रॉम अ मेल डांस फॉर्म टू विच इज नाउ एग्जीक्यूटेड ऑल्सो बाई वुमेन. So Payal, who's going to be interviewed in a minute, has her own award-winning journey in a Kuchipudi dancer, as a Kuchipudi dancer. When she was 4 years old, she started. So, aap aaye kal sham 5 for a fiver, just for a mere fiver. There's 1 hour of dance, 7:30 at Gateshead Kedman Hall. नमस्कार पायल जी, इट्स लवली टू हैव यू इन द स्टूडियो. यू रियली इम्प्रेस्ड मी बिकॉज 2 घंटे पहले विक ने मुझे फोन सर में घुस किया. जैसे मदरसे में या हमारे पंडित लोग जो एक ही चीज रटते रटते याद हो जाता ना, तो मुझे शास्त्रीय संगीत से शौक बढ़ा. अच्छा. इसलिए आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू सी समवन लाइक यू हु एंड टेल अबाउट योर सेल्फ एंड आई विल पुट दिस ऑल ऑन फेसबुक ऑब्वियसली. तो ये बताएं कि आप हैं कहाँ से? भारत से हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली की हैं? अच्छा जी, मैं दिल्ली की हूँ और मैंने 4 साल की उम्र में कुचिपुड़ी सीखना शुरू किया. जैसे मेरी बहन भरतनाट्यम सीख रही थी. हाँ जी, आई थिंक वो जैसे भव्या गोपालन भी 4 साल में शुरू की. हैव यू मेट भव्या? आई हैवंट, बट यू जीबी की बेटी. हाँ हाँ. नमस्कार जी, मैं आनंद बोल रहा हूँ. आज शाम को केडमन हॉल में अनुभव मींस एक्सपीरियंस, अनुभव और हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू डांसिंग, एक्चुअली हाउ टू एक्सपीरियंस, क्योंकि हम तो डांस नहीं करेंगे, हम तो सुनेंगे देखेंगे. तो जुम्मा के दिन फ्राइडे 20th नवंबर 7:30 एट केडमन हॉल, गेटसेट सेंट्रल लाइब्रेरी में. सो ये प्रिंस कंसॉर्ट रोड पर है, NE84LN. ये केडमन हॉल है पुराने लाइब्रेरी के ऊपर. टिकट्स आर £5 एंड इट्स फॉर कुचिपुड़ी डांसिंग. और